नेशनलिज्म इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर के चौथे संस्करण में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कहने का तात्पर्य है कि सब लोगों के द्वारा मिलकर एक सामूहिक अपनेपन का भाव जागृत किया गया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे किसी एक ही राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंग है, और यह चीज जो होती है यह सबको एक साथ एक सूत्र में बांधने में मदद करती है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, जिनके कारण राष्ट्रवाद लोगों की कल्पनाओं और दिलो दिमाग में छाने लगा था। इन्हीं सभी बातों को हम इसमें लेंगे। जो हमारा प्रथम बिंदु है वो है चिन्हों व प्रतीकों का इस्तेमाल करना। पहली बात, इस आनंद मठ में बंकिमचंद चट्टोपाध्याय द्वारा भारत को एक माता के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा लोगों के अंदर यह धारणा दी गई कि भारत जो है एक माँ है। यह बात 1870 के दशक की है जब उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत को लिखा तथा बाद में इन्होंने अपने इस गीत को इसी पुस्तिका में शामिल कर लिया। यही वह गीत है जो आगे चलकर बंगाल के विभाजन के समय सन 1905 में खूब गाया गया था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से आनंद मठ ने लोगों के अंदर भारत माँ की एक इमेज जो थी, एक कल्पना जो थी वो सामने रखी, और अब लोग भारत माँ को एक माँ की नजर से देख रहे थे, जिससे इनका भारत के प्रति, माँ के प्रति आदर, साथ में ही जो देशभक्त की भावना है उसको बढ़ाने में भी काफी हद तक सहायता मिली। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया था वो था रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत माँ की पहली छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये भारत माँ की पहली छवि थी। राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी छवि या तस्वीर में ही अंकित की जाती है। इससे लोगों में एक ऐसी छवि गढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है, जिसके जरिए लोग राष्ट्र को पहचान सकें। 20वीं सदी में इस राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लगी थी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान अवनींद्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का रहा था। यहाँ पर हम अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता की तस्वीर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर भारत माता बहुत ही शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त लग रही हैं। इनकी इन्होंने जो साड़ी पहनी है वो भगवा रंग की है, पीछे तेज नजर आ रहा है। साथ में इन्होंने अपने हाथों में भारत का समृद्ध साहित्य वेद लिए हुए हैं। नीचे हमें कमल के फूल नजर आते हैं। ये कुल 8 फूल हैं जो भारत के उस समय के 8 राज्यों को दर्शाते हैं। ये तो बात हुई भारत माता की प्रस्तुति की, तथा तो लोगों के अंदर, लोगों के सामने चिन्ह और प्रतीकों का इस्तेमाल करना, जिसके थ्रू जो है भारत माता प्रस्तुत की गई। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली थी वो थी भारतीय भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करना। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों, जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गाए जाते हैं, द्वारा गाई सुनाई जाने गाने वाले जो लोग होते हैं, उनके द्वारा सुनाई गाने गाने वाली अलग अलग तरह की जो लोक कथाएं थी उनको उन्होंने इकट्ठा शुरू करना शुरू किया। वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमा करते थे।
हमारी इस परंपरागत सांस्कृतिक संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो भारी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी थी। राष्ट्रवादियों ने ना सिर्फ इनको इकट्ठा किया बल्कि इनको एक नई पुस्तक में लिखकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसमें भारत का गुणगान था। जब लोग इकट्ठा हुआ करते थे शाम के वक्त गांव के, तो वो इन लोकगीतों को गाया करते थे और इस तरह से उनके अंदर भारत के प्रति राष्ट्र की जो भावना होती है वह बलिभूत होने लगी थी। जैसा कि मैंने ऊपर चिन्हों व प्रतीकों की बात की थी जहाँ पर तस्वीर मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक ऐसे ही चिन्हों व प्रतीकों के इस्तेमाल में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा वो रहा था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का। जो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज था वो उसके तीन पट्टियां थी, हरी, पीली और लाल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर हरी पट्टी में जो ये पुष्प बने हैं कमल के, ये कुल 8 फूल हैं जो उस समय के 8 राज्यों को दर्शाते हैं। बीच में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई आनंद मठ इस वंदे मातरम गीत के वंदे मातरम को लिखा गया है। साथ में यहाँ पर नीचे सूर्य व चांद को दिखाया गया है। पहली बार लोगों के सामने अपने देश, अपने राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज आया था। ये कुछ ऐसे ही था जैसे फ्रांस में क्रांतिकारियों के सामने पहला राष्ट्रीय ध्वज आया था, और वो राष्ट्रीय ध्वज तीन पट्टियों वाला था जहाँ पर अब उस समय के जो तीन स्टेट थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो उनको दर्शाता था। ना सिर्फ इस ध्वज ने बल्कि एक और चीज थी जो उस समय लोगों के सामने आई थी, वो थी भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा केसरिया, बीच वाला सफेद और नीचे वाला जो है वो हरे रंग का था। जो केसरिया रंग है ये त्याग को दर्शाता है, सफेद शांति को दिखाता है, तो नीचे हरा जो है वो प्रगति को दर्शाता है। और यहाँ पर जो चरखा बना था ये चरखा स्वदेशी का प्रतीक था। इस ध्वज को लेते हुए राष्ट्र की जो भावना है वो देश में काफी ज्यादा बलिभूत हुई थी। जो चौथा मुख्य बिंदु है वह है इतिहास की पुनर्व्याख्या। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में इतिहास को अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था। जेम्स मिल ने जब भारत का इतिहास लिखा था तो इसे उसने तीन भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला भाग को उसने अंग्रेजों हिंदुओं का युग कहा, दूसरे भाग को मुसलमानों का और तीसरे को अंग्रेजों को कहा। और इस इतिहास में उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को हीन दिखाया हर जगह। उनके हिसाब से वो काफ़ी श्रेष्ठ थे, उनका साहित्य, उनकी संस्कृति, हर क्षेत्र में वो आगे थे, उनका विज्ञान। यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले की एक बात, जब उन्होंने एक बयान दिया था सन 1870 के दशक में कि जो पूरा यूरोप है, यूरोप की जो अगर हम यूरोप के इतिहास की लाइब्रेरी लें तो उस लाइब्रेरी का जो एक रैक है उस एक रैक का ज्ञान कहीं ज़्यादा है संपूर्ण भारत और संपूर्ण अरब के इतिहास को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये सब बातें ये दिखाती है कि वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ माना करते थे। बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं। आज से लगभग 2000 साल पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ये संपूर्ण यूरोप में सिर्फ जंगल ही मिलते थे और यहाँ पर यहाँ के लोग जो है आदि मानव की तरह रहा करते थे। जबकि इस समय भारत में अलग अलग राज्य चल रहे थे जहाँ पर राजाएं काफ़ी कुशलता के साथ जो है शासन चला रहे थे। ईसा मसीह के जो एक शिष्य थे, 12 शिष्यों में से उनमें से एक शिष्य उनकी मृत्यु के बाद भारत आए थे कालीकट में। और इस तरह से जो ईसाई धर्म है सबसे पहले भारत आया था, ना कि ब्रिटेन। अब हम लोग बात करते हैं इनके साहित्य की। जहाँ तक साहित्य की बात है तो दुनिया की सबसे पुरानी बुक जो आज से लगभग 6500 वर्ष पहले लिखी गई थी, ऋग्वेद भारत द्वारा लिखी गई। 6500 से 3500 वर्ष पूर्व भारत में 4 वेद, 32 पुराण, 18 उपनिषद और 2 महाकाव्य
महाभारत और रामायण की रचना की गई थी, जबकि सिर्फ आज से 500 साल पहले ही शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और 600 साल पहले अरस्तू ने यूरोप में साहित्य की रचना की थी। तो भारत का साहित्य तो इनके साहित्य से कहीं 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 आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब भारत द्वारा लिखी गई थी, महाभारत। अब बात हम करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के क्षेत्र में भारत कहीं आगे था। इन्होंने तो विमान की खोज अभी की है। भारत ने आज से लगभग 7 लाख साल पहले पुष्पक विमान का आविष्कार कर लिया था, जिसमें बैठ के राम सीता को अयोध्या ले गए थे। जो रेडियो तरंगे होती, इनकी खोज इन्होंने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व की थी। और टेलीविजन में जो सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, यह चीज भारत द्वारा आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले ही खोज ली गई थी, जब संजय ने रेडियो तरंगों से महाभारत, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा रहा था, उसका उसकी जो सीधी कमेंट्री है वो धृतराष्ट्र को सुनाई थी और देखी थी। और ये बात सब सच है, सही है। सन 2000 जब एक नई सहस्त्राब्दी शुरू हुई थी, तो तब अमेरिका की एक न्यूयॉर्क की या दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम मैगजीन, उसके द्वारा पूरे विश्व में सर्वे किया गया था, जिसमें उन्होंने सहस्त्राब्दी की पर्सनैलिटी कौन होगी उसके लिए सर्वे किया गया था। यहाँ पर जो सहस्त्राब्दी का नायक निकला वो था एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन हालांकि जर्मन थे, पर वो जब हिटलर के समय भागकर अमेरिका आ गए थे। इन्होंने ही कई चीजों की खोज की थी, आविष्कार किए थे, जिनमें से एक परमाणु बम भी था। ये रोज अपनी डायरी लिखा करते थे जर्मन भाषा में। मैं यहाँ पर हिंदी में बताऊंगा कि इन्होंने अपनी जर्मन भाषा में दो जगह भारत के बारे में लिखा है। एक जगह उन्होंने लिखा है, हाँ, टाइम मैगजीन में जो दूसरी पर्सनैलिटी थी वो कुछ पॉइंट से रह गए थे, वो थे महात्मा गांधी, भारत के। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक जगह लिखा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद यकीन नहीं करेंगी कि इस दुनिया में हाड़ मास का ऐसा भी कोई व्यक्ति रहता था जिसने बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हरा दिया। मैं सलाम करता हूं उस व्यक्ति को। खैर, यहां पर हम लोग बात विज्ञान की कर रहे हैं, तो इससे संबंधित एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अपनी डायरी में एक जगह जर्मन भाषा में लिखा है कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे दोबारा जन्म देते हैं तो मुझे आप जन्म भारत की महान भूमि में देना, भारत की वो महान भूमि जिसके द्वारा आविष्कार किए हुए शून्य दशमलव और गिनती के कारण ही मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सका। और भारत में जो लिखी गए पुराण और उपनिषद थे, उनको पढ़कर ही मैंने कई सारे आविष्कार किए हैं, तो मुझे भारत में ही अगला जन्म देना। ये सब बातें बताती हैं कि भारत का खुद का इतिहास कितना शानदार रहा है, कितना बढ़िया रहा है। पर लोगों को ये बातें पता नहीं थी, क्योंकि उस समय इतिहास लिखा तो अंग्रेजों ने था, जेम्स मिल ने लिखा था, जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवादियों का जो मुख्य कार्य था वो था इतिहास की पुनर्व्याख्या करना। उन्होंने इतिहास को दोबारा लिखा, और जो बातें अभी आपको मैंने कही वो सब बातें उन्होंने इतिहास में लिखी कि हम लोग कितने महान हैं। इस तरह से हर किसी ने, चाहे चिन्हों, प्रतीकों, पुस्तकों, चित्रों, ध्वजों, लोकगीतों या इतिहास के द्वारा एक सामूहिक अपनेपन की भावना लोगों के अंदर जागृत करने की कोशिश की। अब आखिर में अगर हम आते हैं तो वो है समस्या। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आई? जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत के बारे में गुणगान किया गया है, पर एक ही चीज है जो समस्या के रूप में सबके सामने आई थी, और वो है हिंदुत्व। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आनंद मठ में भारत को माँ बताया गया और उसकी वंदना की गई है। सामने हम भारत माता के देख रहे हैं, तो वो दुर्गा के रूप में भारत माता को प्रस्तुत किया गया। अगर हम ध्वज की, और जबकि इस्लाम में सिर्फ
अल्लाह के अलावा किसी भी मूर्ति की पूजा करने की साफ मनाही है। तो ऐसे में उन्होंने भारत को माँ नहीं माना और वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। ईसाई धर्म में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक ऐसे ही आनंद मठ में जो वंदना की गई है भारत माता की, वो इस्लाम के लिए संभव नहीं था, तो ऐसे में इस्लाम इसमें शामिल नहीं हुआ और ईसाई धर्म के लोग भी इसमें शामिल नहीं हो सके और ना ही उन्होंने वंदे मातरम के गाने और स्लोगन जो थे वो बोले। दूसरी चीज जो हमने देखी नीचे लोकगीतों की, तो भारतीय जो लोकगीत थे वो लोकगीत हमारे इतिहास से जुड़े हुए थे और हमारा इतिहास 5,500 वर्ष पुराना इतिहास है जो हिंदुओं का इतिहास है। तो जाहिर सी बात है लोक कथाओं लोकगीतों में हिंदुओं से जुड़ी हुई बातें थी, ये बातें भी वो बातें थी जो इस्लाम जो दूसरी सबसे बड़ा समुदाय था भारत में उन लोगों को और ईसाई धर्म के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के आड़े आ रहा था। अब बात करते हैं हम लोग इस ध्वज की। हाँ, केसरिया रंग त्याग का तो है पर ध्यान से देखें तो ये रंग भगवा रंग है जो हिंदू धर्म को दर्शाता है। ठीक ऐसे ही हमारा पहला राष्ट्रीय ध्वज में जो हरी पट्टी है उसमें 8 कमल के फूल दिखाए गए हैं। कमल का फूल हिंदू धर्म का सबसे पवित्र फूल होता है और हमारे सभी देवी देवता जो होते हैं इसके ऊपर बैठे होते हैं। बीच में वंदे मातरम लिखा गया है संस्कृत में, जो अभी मैंने आपको बताया किसी भी तरह से संभव नहीं था इस्लाम के लोगों को कि वो इसको बोले। तो इस तरह से बस एक ही समस्या थी जो सबके आड़े आ रही थी। यहाँ पर जो मैंने इतिहास की पुनर्व्याख्या करी और इतिहास के गुण गाए, तो हर जगह मैंने वेद साहित्य पुराणों के ही गुण गाए, उपनिषदों के गुण गाए जो सबके सब हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से हिंदू धर्म जो आड़े आ रहा था वही एक चीज थी जो सब लोगों को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सहायक नहीं रही। उम्मीद है भारत में राष्ट्रवाद का सामूहिक अपनेपन का भाव का संस्करण आपको समझ में आ गया होगा। कृपया अपनी टिप्पणी कीजिएगा। धन्यवाद।